तो हम पहुंच चुके हैं सेल्यूलर जेल. वी जस्ट गो इनसाइड. ये अखंड ज्योति है जो जलती रहती है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए. और इसके लिए जो ईंधन लगता है, जो ऑयल लगता है, वो इंडियन ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है. जेल के निर्माण 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया और 7 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया गया. मोर देन 30 मिलियन रुपये इस्तेमाल किया गया. वैसे इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक. 1938 मैक्सिम स्वतंत्र सेनानी को रिहा किया गया. उस वक्त यहाँ पे जो रिहा हुए, कुछ लोग यहीं पे सेटल हो गए, कुछ लोग वॉक पे चले गए. जो स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज किए थे ना, उनके बाद ही ये लॉ आ गया. यहाँ पे इनकी गले में मेटल रिंग और उन विदाउट एनी परमिशन उनके घरवा पे कोई जाग रहा है तो गुस्से में जाएंगे. गुस्सा उनके लिए सक्सेस थी, यानी कि उनकी सोच को बदल रही है. और चेन फिटर रास्ते से ना बस के जाए, सेकंड बार फिटर स्ट्रेट रोड नी को बेंड करके नहीं बैठ पाते थे, और तीसरा देखिए जिसमें चल ही नहीं पाते थे. और तीनों स्थिति में इनसे काम करवाया जाता था, जैसे ऑयल ग्राइंडिंग मशीन इसके अलावा बाहर. और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म भोरे का, यानी कि तेज धूप के समय इनके पूरे शरीर पूरे जख्म हो जाए, दूसरों के साथ कंपेयर करते वक्त अलग से पहचान में आए, ये पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रंट राइटर है. पीछे एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, इनके मनोबल को अंग्रेज कमजोर नहीं कर पाते. आज भी हमारे मनोबल को कोई कमजोर नहीं कर पाए, साइकोलॉजिकली इस्तेमाल करते थे. उस समय अंग्रेज इंडियंस के ऊपर चाबुक चलाए होते, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता. उनकी ताकत को कैसे कमजोर कर रहे हैं, एक इंडियन के ऊपर चाबुक चला है. यहाँ पे आने के बाद आपको गाइड के साथ जाना, ऐसे कहीं देखा नहीं है, फिर भी आप गाइड के साथ जाते हैं तो एक फील होता है, सब जगह की वैल्यू होती है, उसके कारण आप यहाँ पे हमें देते हैं. यहाँ से आप बाहर जाएंगे, हमारे यहाँ के लोग मिलेंगे, उनकी वाणी में गलत होगी तो भी ना आप माफ करेंगे, मेरी वाणी में गलत होगी आप माफ करेंगे, नहीं कर पाएंगे. टू डिफरेंट बिटवीन माई सेल्फ एंड आउटसाइडर. तो उस समय हमारी गंभीरता कहाँ थी, हमारे लोगों के साथ थी. हमारे गंभीरता को कमजोर अंग्रेज नहीं कम कर पाते थे. दे स्कैट अबाउट इंडियन हाउ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज. तो ब्रिटिश मारते तो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा, इन्हें को रोक नहीं पाएंगे. इन्हें रोकना है तो उनके लोग ही उन्हीं को रोक सकेंगे. तब जब इंडियन इंडियन के ऊपर चाबुक चलाएगा, रिवॉल्ट नहीं, रिवॉल्ट करने वाले की सोच बदल जाएगी, तो क्रांतिकारी कमजोर हो जाएंगे. फिर ब्लड कमजोर अनकॉन्शियस आ जाएगी, दोबारा इलाज करवाया जाता था, रेफ्यूज करें, फाइनली फांसी. फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उससे पहले उनका मृत्यु हो जाता था. और यहाँ पे ये बाजू वाला फांसी घर, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को लाकर फांसी देना ये उनकी कॉन्सेप्ट नहीं थी. हिंदुस्तान इसके अंदर वुडन बीम प्लेटफॉर्म लीवर, जब लीवर को पल करते हैं ट्रैप डोर 8 फीट तक, जो बॉडी सडनली नीचे की ओर जाएगा, सर्वाइकल पॉइंट को ब्रेक हो जाएगा. यदि सर्वाइकल पॉइंट नहीं ब्रेक हो रहा है, बच जा रहा है, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते. दरअसल रस्से के बीच में एक लोहे का रिंग इस्तेमाल करते थे ताकि थ्रोट को कंप्रेस कर दें, उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट किया जाए, बोरे में पत्थर बांधकर समुंदर में फेंक दिया जाए. और ये लॉकिंग पैटर्न है, बिना किसी की मदद के दरवाजे को खोल ना सके जब तक दूसरा बंदा आकर ना खोले. और यहाँ पे अलीगढ़ का लॉक इस्तेमाल किया गया. और यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे आइडेंटिफाई आइडेंटिकल नहीं है, बट आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या सेल को, वैसे भी नहीं है, बट हम सावरकर जी के सेल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं.
अब मैं चल रही हूँ सेल्यूलर जेल में और मैं अब आपको दिखाती हूँ वीर सावरकर जी को जहाँ कैद करके रखा था उनका कमरा। अब मैं चल रही हूँ सेल्यूलर जेल में और मैं अब आपको दिखाती हूँ वीर सावरकर जी को जहाँ कैद करके रखा था उनका कमरा। मेरे लाइफ का ये सबसे हॉन्टिंग एक्सपीरियंस है हमारे फ्रीडम के लिए। कितने लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं जिनके नाम हमें शायद याद भी नहीं और शायद कभी पता भी नहीं चलेंगे। तो अपने फ्रीडम को कभी लाइटली ना दें, क्योंकि जो कुर्बानियाँ दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। योर फ्रीडम इज़ अ गिफ्ट गिवन टू यू माई फेलो कंट्रीमैन, प्लीज़ वैल्यू इट एंड दिस गोज़ टू मी एज़ वेल। हम बहुत लाइटली लेते हैं हमारी भारत माता को, काफ़ी कोसते हैं, लेकिन अगर आप कभी यहाँ आएंगे तो आपको उन कुर्बानियों की ग्रेविटी पता चलेगी। हम सावरकर जी के सेल के यहाँ जा रहे हैं।